हेलो गाइस, कैसे हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिव्यू। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं कुछ एवेंजर्स के कुछ प्रोडक्ट्स। तो आप लोग देख सकते हो, ये थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर है। तो ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था 100 रुपीज़ में। आप लोग देख सकते हो, जब थॉर का थोड़ा टूट जाता है तो ये थॉर स्टॉर्म ब्रेकर बना लेता है। यहाँ पे थॉर भी लिखा गया है और यहाँ पे एवेंजर्स भी लिखा गया है। आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ओरिजिनल लगता है। और ये किचन में मेरा काफ़ी फेवरेट है, तो ये मैं मेरे व्हीकल के लिए यूज़ करता हूँ। अगर आपको भी पसंद है तो आप भी मंगवाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। और ये पूरे मेटल में और काफ़ी मज़बूत है, मैं काफ़ी दिनों से ये यूज़ कर रहा हूँ। इसको भी यहाँ पे रख देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो ये भी मेरा फेवरेट है। तो ये स्पिनर है और आप लोग देख सकते हो, ये तीन थॉर के जो मायोनीर है, जो हथौड़ा बोलते हैं हम उसको, ये यहाँ पे लगे हुए हैं और इस पे एवेंजर लिखा गया है मार्वल। और ये भी काफ़ी मजबूत है, मैं इसको तकरीबन 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो, काफ़ी यूज़फुल है ये। ये भी मैंने 100 रुपीज़ में ख़रीदा था अमेजोन से। तो नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। तो ये है एवेंजर्स का पेंसिल बॉक्स। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका है, यहाँ पे हल्क है, यहाँ पे आयरन मैन है, यहाँ पे भी कैप्टन अमेरिका है और पीछे भी वही है सेम। और ये पेंसिल बॉक्स मैंने 220 रुपये में ख़रीदा था। और आप लोग देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या है। तो आप लोग देख सकते हो, इसमें पेन पेंसिल वगैरह रखने की जगह है। और ये मैग्नेट है यहाँ पे, तो ये ऐसे लग जाता है। और इसका जो खास फीचर है, आप लोग देख सकते हो, ये बटन दबाने के बाद ये शार्पनर का जो कवर, ये खुल जाता है। इसमें आप छोटी पेंसिल शार्प कर सकते हो और इसमें आप बड़ी पेंसिल शार्प कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो, ये भी निकल सकता है इसका, और इसको हम ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें आप पेन पेंसिल यहाँ पे अटका के रख सकते हो ताकि ये इधर उधर ना जाए। और आप लोग देख सकते हो, इसका काफ़ी बढ़िया फीचर है, ये कैलकुलेटर आप लोग देख सकते हो, ये ऑन हो गया है ऑन दबाने के बाद। तो देखते ये होता है नहीं, 2 + 2 + 3 करके देखते हैं हम, फिर से एक बार देखते हैं, ये ऑन करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो, 2 + 3 किया था मैंने, 5, मतलब ये अच्छे से काम करता है कैलकुलेटर, काफ़ी अच्छा फीचर है। तो यहाँ से निकालने के बाद हम बैटरी चेंज कर सकते हैं। ये मैंने निकाल के नहीं देखा है, लेकिन अभी देखेंगे। तो ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ और देखते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा है। तो नेक्स्ट है ये एवेंजर्स के टॉयज। आप लोग देख सकते हो, ये आयरन मैन है, रेड कलर में दिया गया है। और देखते हैं, इसका लाइट लगता है नहीं। तो इसको पीछे एक स्विच दिया गया है, ये दबाने पे लाइट लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है लाइट लगने के बाद ये। और ये है हल्क। तो ये तीनों भी मैंने एक सिंगल पैक में मंगवाए थे, कैप्टन अमेरिका, हल्क और आयरन मैन। तो देखते हैं इसका लाइट लगता है नहीं, हल्का लाइट नहीं लग रहा है दोस्तों, इसको देखना पड़ेगा क्यों नहीं लग रहा है। तो ये काफ़ी ओरिजिनल लगता है हल्क, इसको भी हम रख देते हैं। और ये आखिरी इस टॉय सीरीज में मतलब जो मैंने एक पैक मंगवाया था उसमें, तो ये कैप्टन अमेरिका है। देखते हैं, इसका भी लाइट नहीं लग रहा है, देखना पड़ेगा क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है। और इसके साथ एक शील्ड दी गई है, तो शील्ड को हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। आप लोग देख सकते हो, काफ़ी ओरिजिनल लगता है शील्ड लगाने के बाद, और शील्ड भी काफ़ी ओरिजिनल और अट्रैक्टिव है। तो इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ पेंसिल्स हैं जो मैंने अमेजोन से मंगवाई थी, कुछ 150 रुपीज़ में मैंने 4 मंगवाई थी ये पेंसिल्स। तो आप लोग देख सकते हो, ये आयरन मैन बना हुआ है इस पेंसिल पे, और नीचे भी काफ़ी प्रोडक्ट्स मतलब काफ़ी पिक्चर्स बने हुए हैं बैटमैन के, वंडर वुमन के, लेकिन इसका अट्रैक्शन यही है कि इस पर आयरन मैन बना हुआ है। तो देखते हैं इसको खोल के। तो ये इसका जो पॉइंटर है, ये ख़त्म होने के बाद ऐसे निकालना है, मैं आपको दिखाता हूँ निकाल के, ये नहीं निकल रहा है मेरे से। तो ठीक है, ये निकालने के बाद हम पीछे डाल सकते हैं, और जो इसके नीचे वाला है ये आगे आता है, तो फिर ये यूज़ करना काफ़ी ईजी रहेगा। तो ये आयरन मैन वाली पेंसिल है, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और नेक्स्ट है स्पाइडर मैन वाली, आप लोग देख सकते हो,
स्पाइडरमैन बना हुआ है, और यही सेम इसमें मैकेनिज्म काम करता है। इसका निब निकल गया, आप लोग देख सकते हो। तो ख़त्म होने के बाद ऐसे पीछे से डालना है, तो आप लोग देख सकते हो ये जो इसके नीचे था ये ऊपर आ गए हैं। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि इस पे स्पाइडरमैन बना हुआ है। तो देखते हैं नेक्स्ट चीज़ कौन सी है। तो नेक्स्ट चीज़ है दोस्तों, इस पे बैटमैन बना हुआ है। तो ये एवेंजर सीरीज में इन्होंने बैटमैन भेज दिया अमेजोन वालों ने, तो ठीक है कोई बात नहीं। ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, आप लोग देख सकते हो। इसका भी वही सेम काम करता है। और जो आज के वीडियो का आखिरी प्रोडक्ट है,